देखो बेटा, विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है ना। विद्या ही ऐसा धन है जो हमारी एकदम पर्सनल संपत्ति है। इसीलिए संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, विद्या नाम नरस्य रूपम धिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या राजसु पूजते, विद्या विहीन पशु, है ना। तो और विद्या ऐसे नहीं आती बेटा, ऐसा नहीं है कि मिक्सी में घोल के बढ़िया चटनी बनाकर खूब अच्छे से चाट मसाला मिलाकर पी लिया और सब याद हो जाएगा हमें। इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, है ना। एक दोहा पढ़ा होगा हिंदी में आपने, पता लगा ना कवि का नाम। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखे की पौन। हाथ में फैन हो, हाथ वाला फैन, और आप डुलाइएगा नहीं तो हवा मिलेगी क्या? नहीं नो मिलेगी सर, ना। तो बेटा मेहनत याद रखो, लेबर नेवर गोज इन वेन। आप जितना मेहनत करेंगे ना, एक न एक दिन आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा आपको। इसलिए अच्छी तैयारी कीजिए खूब अच्छे से, है ना। ओके, सो विल बिगिन द क्लास बाय चैंटिंग ओंकारम 3 टाइम्स। ओके बेटा, तो एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ आपको, जिनको भी और भी सवाल पूछने हैं तो आप क्लास एंड होने के बाद भी रुक जाना ग्रुप में, है ना, और पूछ के जाना बेटा, है ना। क्योंकि आपका क्लास फिर 2 बजे शुरू होगा, मैं तो 1 बजे अभी 12:50 में ये क्लास ऑफ करूंगा, है ना। उसके बाद भी आई एम अवेलेबल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ओके बेटा, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, आई एम प्रेजेंटिंग, जस्ट सीटेड बेटा, है ना। ओके, व्हाट कैन यू सी पूजा, कैन यू सी माय स्क्रीन बेटा? यस ओके, सर, है ना। सो हाउ ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस एंड हियर साउंड, दोनों बातें इसमें आ जाएगी। प्रोड्यूस कैसे करते हैं और सुनते कैसे हैं, है ना। सो साउंड एंड वाइब्रेशंस, 3D वर्कशीट वर्कशीट वर्कशीट, इंटरैक्ट 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 और इंटरैक्ट विद देयर, ऐसे कैसे होगा। ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस साउंड, लेट अस सी दिस वन, है ना। लेट अस सी दिस। ओके, साउंड कम होगा तो बताना साउंड बेटा। एंड वाइब्रेशंस, द साउंड्स वी हियर आर एक्चुअली वाइब्रेशंस दैट बिगिन। साउंड क्यों बेटा यस पूजा, सर, है ना, सर आवाज नहीं आ रही सर। कम है, ठीक यस सर, यस है। अब सर। व्हेन एन देखो, ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ साउंड एंड देन कंटिन्यूज मूविंग थ्रू मैटर, The tuning fork, a two-branched metal tool used for tuning musical instruments, can be used to study sound waves. ये देखो एक ट्यूनिंग फोर्क है बेटा, मैंने बताया था आपको ट्यूनिंग फोर्क, है ना। कि दिस टू आर कॉल्ड प्रॉन्ग्स, व्हेन वी हिट वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑन आ रबर पैड देन द प्रॉन्ग्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हमारे लैब में होता है ये ट्यूनिंग फोर्क। लेट अस गो अहेड। If we gently strike a tuning fork with a rubber mallet, we will hear the sound it produces, even though we can't see the sound vibrations or the sound waves as they travel through the air. Let's perform an experiment which will allow us to see the sound vibrations as they travel through a medium. For this experiment, we will need a tuning fork, a rubber mallet, and a wide container of water. First, we will place our container of water on the table, giving it time to become completely still. Use the rubber mallet to strike the tuning fork and then insert it about 2 inches into the water.
As you do this, you can watch the vibrations of the fork create ripples that are moving through the water away from the fork. Now let's look more closely at what actually was happening when the vibrating fork was immersed. When the tuning fork struck the surface, water molecules bounced off the fork because of its vibrations. The vibrations of the molecules nearest the fork then vibrated the neighboring molecules, which in turn vibrated the molecules next to them. In this way, the vibrations or waves move through the water in the form of ripples until they reach the other end of the container. In a vacuum, there will be no molecules or particles for sound vibrations to move through. That means that sound cannot travel through a vacuum. From this experiment, we can see how sound travels in the form of waves through a medium. Summary. Sound is what is produced by the vibration of particles or molecules through a particular medium. Sound cannot travel in a vacuum. Okay, beta. So just you saw sound is produced by a vibrating body. By vibrating body, by vibrations. If there is no vibration, there will be no sound produced. Any question, beta? Any question you can ask me? Interactivity, media, practice of sound. Let us see, sound needs a medium for propagation. Sound requires medium for its propagation. Without medium, sound cannot travel. Now, see this video, beta. Okay. Your attention, please. How do you hear sounds? Chirping of birds, the voice of people around, the ringing of a bell, announcement from speakers, etc. How does sound travel and reach your ears? Sound is caused by vibrations and travels through matter in the form of waves. Have you ever heard a flute playing? Can you guess what vibrates here? What vibrates here? Sir, the air in the air in the hollow of the flute, है ना? अच्छा, जानते हैं flute हमें एक value भी सिखाता है बेटा, human value. बताओ, flute अंदर से खाली होती है. इसका मतलब क्या होता है? हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना? चलो, हमारे मनुष्य एज ए ह्यूमन बीइंग है ना बेटा, हमारे पास छह रिपु हमारे होते हैं, छह दुश्मन हमारे हैं. दुश्मन को बगल वाला, ये प्रांजल या राधिका, ये हमारे दुश्मन नहीं होते. दुश्मन तो हमारे शरीर के भीतर ही बैठा है. सिक्स वाइस है हमारे लिए, पता है ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य. इनके बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा. ये छह हमारे शरीर के छह रिपु हमारे हैं, षड रिपु कहलाते हैं ये, है ना? चलिए, लेट अस गो अहेड. द एयर कॉलम. द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम प्रोड्यूसेस द सूदिंग म्यूजिक फ्रॉम द फ्लूट. इफ देयर इज नो एयर, द साउंड वुड नॉट हैव रीच्ड द ईयर एंड वी विल नॉट हियर एनी साउंड. Thus, sound requires a medium for its propagation. Okay, let us go ahead. Let us see some activities to understand the necessity of a medium for the propagation of sound. Consider an electric bell which is placed inside an airtight glass bell jar.
Now switch on the bell. You can see the hammer hitting the gong and hear the sound of bell ringing. In order to remove air from the bell jar, connect a vacuum pump at the bottom of the jar. Now turn the switch on. We hear the sound of bell ringing loudly. Now, in order to create vacuum in the bell jar, slowly remove the air from the glass jar through vacuum pump. We observe that the sound of the ringing bell decreases gradually as the air is being removed and we hear no sound as vacuum is created. The bell is still ringing, but we are unable to hear the sound anymore. This activity proves that sound cannot propagate in vacuum. Okay, beta. So this activity, you can easily understand. Dusra dekhiye. Does sound travel through water? Let us find out. Take a handbell and a bucket filled with water. Hold the bell in air and ring it. We are able to hear the ringing of a bell when it is held in air. Now let's place the bell inside a bucket filled with water and ring it. Are you able to hear the sound? Yes, we are still able to hear the sound of the ringing bell even from inside the water. Thus, it is confirmed that sound travels through liquids. Got it? Does sound travel in solids? Let us find out. Place your ear on one end of the table and let another person scratch the table from the other end. You can hear the sound of scratching from the other end. Thus, we confirm that sound travels through solids. Also, sound travels very fast in solids. We can also experience this. When we place our ear on the railway track, we are able to hear the sound of train through the metal tracks. है ना, आपने कहानी भी सुनी होगी बेटा, ये है ना, एक लड़के ने देखा था कि रेलवे ट्रैक टूटा हुआ की जगह से है, है ना, बहुत पुरानी कहानी है। अब उसको लगा, करे अगर ट्रेन आएगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कैन यू हियर मी बेटा? यस सर। यस सर। तो अब उसने सोचा कि अब क्या करे, तो उसने सोचा चलो ट्रेन तो आ तो नहीं रही है, तो उसने बताओ क्या किया होगा, कैसे पता लगाया होगा कि ट्रेन किस तरफ से आ रही है। सर उसने अपना कान सर ये जो रेलवे लाइन है सर उसमें रखा होगा, ट्रैक पे लगा के देखा होगा, बिल्कुल ईयर को प्रेस रखा, जब उसको वाइब्रेशन क्लोज आता हुआ दिखा लगा, है ना, बढ़ता रहा बढ़ता गया बढ़ता रहा, तो उस तरफ से ट्रेन आ रही है इसका मतलब। और अगर ट्रेन दूर जा रही है क्या होगी, वाइब्रेशन दूर जाती पति होगी, तो उसने पता लगा लिया कि इस तरफ ट्रेन आ रही है। उसने संयोग था कि लाल शर्ट पहने हुआ था, रेड कलर का शर्ट पहने हुआ था, शर्ट खोला उसने और हवा में हिलाना शुरू किया। ड्राइवर ने बहुत दूर से देख लिया, उसने गाड़ी को रोकी और पैदल चलते उस लड़की के पास आया, लड़के ने बताया और इस तरह से उसने एक्सीडेंट होने से बचाया, है ना। और ये सबसे तेज सबसे फास्ट साउंड चलती है थ्रू सॉलिड, है ना। एक और एक्टिविटी, लेट्स लुक एट वन मोर एक्टिविटी टू प्रूव दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। कंसीडर अ टॉय टेलीफोन made out of empty plastic cups and thread. Hold one cup near your mouth and let another person hold the other end of the toy telephone near his ear. When you speak from one end, other person can hear you at the other end. Hence, sound travels through solids. चलो, if it happens that two of your friends are on the moon, okay बेटा, so if you are standing even closer and speaking to each other, would you be able to hear the sound? Ranjan? Yes sir.
मून पे आप खड़े हैं, आप हैं और आपका फ्रेंड है, दोनों मून पे सरफेस पे खड़े हैं, पास पास खड़े हैं और आप कुछ बोल रहे हो, तो क्या आपका दोस्त सुन पाएगा? नो सर, नो सर, है ना, क्योंकि थ्रू एयर साउंड नहीं जाएगी। अब आपको बात करना ही करना वहां पर है, तो कैसे बात करोगे मून पे? यू हैव नो वॉकी टॉकी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है वहां पर, आपके आपने कोई इंस्ट्रूमेंट आप नहीं ले गए हो। हाँ, पत्थर में, पत्थर में आपका फ्रेंड ईयर टच कर सकता है और आप पत्थर किसी कोने से बोलोगे तो ही विल बी एबल टू हियर इट। गुड, सो वी अंडरस्टूड दैट साउंड ट्रैवल्स थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। Speed of sound is maximum in solids and minimum in air. देखो एयर में कितना साउंड की स्पीड है? Near about 330 meter per second. और लाइटनिंग की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ meter per second. इसीलिए although lightning and thunder both take place simultaneously, but we see the lightning first. And hear the thunder much much after that. तो स्पीड कम है, इतनी 30 मीटर पर सेकंड है, और वो 3 × 10⁸, अब 3 × 8 जीरो रख के देखो क्या पढ़ोगे? 30 लाख? नो सर, कितना हो जाएगा? किलोमीटर में आएगा 30 लाख, 30 लाख किलोमीटर होगा और 3 जीरो और बढ़ेगा, है ना, तब जाकर होगा वो। Okay. Let's summarize what we have learned about the propagation of sound. Medium is required for the propagation of sound. Okay, so you have seen this also. Now, let us learn about इंटरएक्टिविटी है। चलो, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, लेट अस सी, है ना। एम्पलीट्यूड हु विल डिफाइन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन? द हाईएस्ट एक्सटेंट एंड वेव एक्सटेंड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। Correct. The maximum displacement of the vibrating body from its mean position is called its amplitude. है ना? And frequency? Number of oscillation in 1 second. Number of oscillations per second. ध्यान रखिए. Define complete होना चाहिए बेटा. Number of oscillations or vibrations per second is called frequency. इस पे numericals आएंगे, है ना? गूगल फॉर्म भी आएगा। अच्छा, पैटर्न पता है ना एग्जाम का, ये भी देख लो एक बार। मिट गया क्या? नहीं, मिटने में चाहिए, मैं लिख कर रखा था अभी। हाँ देखो बेटा, दिख रहा है? डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होंगे ना आपके, ये कितने मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 3 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होंगे। सो यू कैन सी 40 मार्क्स एंड देयर विल बी 13 क्वेश्चंस। टाइम मिलेगा कितना? 1.5 आवर मिलेगा आपको 90 मिनट सोल्व करने के लिए, ठीक है। 90 मिनट सोल्व करने के लिए मिलेगा आपको, टाइम का ध्यान रखिएगा। और फिर आपके पेरेंट्स को पहुंचाना है, पेपर अच्छे से स्टेपल कर देना और स्कूल भेज देना उसको, ठीक है। इस बार आपको पीडीएफ बनाकर नहीं भेजना हमें है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, इस बार कैसे करना है, पेपर कैसे आएगा? अध्यक्षा सर, हार्ड कॉपी में। हाँ, हार्ड कॉपी को स्कूल पहुंचाना है बेटा, है ना। हम टेबल लगा के बैठे रहेंगे यहाँ पर, है ना, और आपका कलेक्ट कर लेंगे। और दूसरा पार्ट ए में गूगल फॉर्म होगा, पहले तो गूगल फॉर्म जानना पड़ेगा देने। हाँ? स्कूल आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा।
नहीं, यहाँ पर हम टेबल लगा के बैठे स्टाफ रहेंगे, रूम में। स्टाफ रूम में या असेंबली हॉल में कहीं भी, या ग्राउंड में ही बैठे रहेंगे, है ना। वो आपको पता चल जाएगा बेटा, है ना, उस दिन यहाँ पर, है ना। सर हम लोग नहीं आ सकते क्या? हाँ सर, आप भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पर पेरेंट्स हम आप। अगर पेरेंट्स फ्री नहीं रहे उस बीच में कभी कभी तो हम लोग आ सकते हैं क्या? हाँ, डाल लेना एक एप्लीकेशन लिख के जेब में रख लेना, पेरेंट्स से साइन करा के, ठीक है, ओके कि सर। आई एम अनेबल टू कम टू द स्कूल, सो आदेशा इज गोइंग टू डिपॉजिट और राधिका इज गोइंग डिपॉजिट, ऐसे लिख के जेब में रख लेना। अगर किसी ने मांगा तो दिखा दे, नहीं मांगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, जस्ट प्रिकॉशन के फॉर्म में, है ना। गूगल फॉर्म में बताया कितने क्वेश्चंस होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे, है ना, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, और टाइम देंगे हम 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटे के अंदर आपको करके सबमिट कर देना बेटा। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, इस तरह से बाकी सब्जेक्ट टीचर से आप पूछ लेना अपना डिटेल, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, यस सर। आई होप, है ना, दिस इज क्लियर, नो प्रॉब्लम। सर आइए, हाँ बोलिए। एक सर एक नहीं, आवाज नहीं आ रही, कट रही आपकी आवाज, फिर से सर बोलो। A4 साइज पेपर पे करना है ना? हाँ, A4 साइज पेपर पे सारे आंसर्स कीजिएगा, है ना, और अच्छे से स्टेपल करके उसको भेज दीजिएगा, और फ्रंट पेज पे बताया गया है, आपको इंस्ट्रक्शन मिला है, नेम क्लास, एक मिनट सर को टोटल स्टूडेंट कोड मिलेगा, है ना, कोड मिलेगा एक, उस कोड को लिखना बहुत जरूरी है, अगर वो कोड नहीं रहेगा, दैट कोड इज कॉन्फिडेंशियल, तो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। एक कोड भेजेंगे, स्कूल भेजेगी, या मुझे भेजने के लिए मिलेगा तो मैं भेजूंगा, और आपका रिजल्ट तैयार है असेसमेंट 3 का, है ना, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा वो भी, है ना। मैंने साइन, मतलब साइन तो करते हैं, डिजिटली साइन होता है, साइन की जरूरत नहीं पड़ती है, मैंने अपने रिमार्क लिख दिया उसमें सब में, हर रिपोर्ट कार्ड में, सो इट इज रेडी, है ना, एनी टाइम यू विल गेट इट, असेसमेंट 3 का रिपोर्ट कार्ड आपका, है ना। तो उसमें कोड मिलेगा स्कूल की तरफ से, कोड कंपलसरी मैंडेटरी है बेटा, और वो कोड गूगल फॉर्म में भी नहीं रहेगा या गलत रहेगा तो आपका स्कोर नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब चीजों को अच्छे संभाल के रखना है एग्जाम के टाइम में, है ना। सर आप फिर से और एक कोड देंगे? हाँ, सेपरेट कोड मिलेगा आपको, ठीक है, और जिन लोगों ने फीस जमा नहीं की उन्हें कोड नहीं मिलेगा, है ना, अगर कोई ऐसा कोई पूछता है तो बता देना, ऐसा कोई है तो क्लास में नहीं अभी ना, जिसने फीस जमा नहीं की है। हाँ जी, सर हम लोग जो रजिस्टर का पेज होता है वो यूज कर सकते हैं क्या? तो बेटा एक ही बात है ना, रजिस्टर के पेज में करोगे या A4 साइज में करोगे, A4 साइज में भी आपके रूल पेज मिलते हैं, है ना, यूज कर लेना, कोई बात नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, हम साइंस के लिए बोल सकता हूँ मैं, बाकी डिटेल्स पूछ लेना, ठीक है। फीस सबके जमा होगी क्या? वो बेटा आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, हम तो फोन कर रहे हैं सबके पेरेंट्स को, जिनके नहीं आया ना उनको मैं खुद फोन कर रहा हूँ, ठीक है, यस इसलिए आप सर। लोगों को कोई सोचने की जरूरत नहीं बेटा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे एज ए होल बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिनके पेरेंट्स को फोन कर रहा हूँ उनको पता ही होगा, है ना, अब जो 2 दिन नाम मैंने पूछा वो है ही नहीं क्लास में, तो क्या मतलब हुआ, कम से कम अभी याद करा देते हैं उनको भी, क्योंकि कुछ के पेरेंट्स का जो है ना वो उठाते नहीं फोन को, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बाद में हम क्या जवाब दें, अरे भाई आकर ऑफिस में मिल ले, अपनी बात बता दो कम से कम, तो अपना हमारा भी छुट्टी, हम भी इधर अपना फोकस करें, तो गूगल फॉर्म में क्वेश्चन पेपर से प्रिपेयर करना है बेटा, टाइम लगता है सब में ना। चलो देखें, और बाहर निकाल लिया, चलो फिर से एक बार लॉग इन करते हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं एक बार, है ना, थ्रो डाटा क्लासेज ऑनलाइन, इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो बोलना बेटा, है ना। लेट मी लॉग इन अगेन, या गॉट डन, डिवीजन या साउंड, साउंड ही है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, लेट अस सी दैट, देन पिच एंड एम्पलीट्यूड देख लेंगे हम लोग, है ना, लाउडनेस, ऑडिबल इन ऑडिबल, जल्दी से देखते हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी अबाउट दिस,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। ये देखिए है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वाइब्रेशंस। लेट अस, वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स एवरी डे। अच्छा ये बताओ, अभी जो देखा आपने वो कान पे ऐसे हाथ लगाने से, इससे क्या फर्क पड़ता है? एनीबॉडी? इसका नाम कान को बड़ा कर रहे हैं ना, ऐसे तो लगा लिया उन्होंने, कान बड़ा होगा ना, क्या फायदा है होता बेटा? एनीवन? और हम कब ऐसे करते हैं? लोगों को कम से नहीं, जब ध्यान से सुनना होता है। हाँ, या जब कोई धीरे से बोलता है और हमें सुनाई नहीं पड़ता, हम ऐसे करते हैं। क्या होता है, वाइब्रेशन जो होते हैं बेटा, ऐसे ये नहीं लगाते वाइब्रेशन निकल जाएंगे इधर से, तो वाइब्रेशन रुक गया यहाँ से, रुक करके इट विल एंटर इनटू योर ईयर कैनाल, है ना, वाइब्रेशन को ईयर कैनाल में एंटर करने में हेल्प मिल जाती थोड़ी सी। ऐसे एक एक्टिविटी करना आप, कहीं मिलेगा नहीं आपको। आप क्या करो, कहीं पर लाउड स्पीकर बजा दो या कोई म्यूजिक सिस्टम बजा दो आप, अब वहां से साउंड सुनते हुए आप पीछे आओ, है ना, एक छाता ले लो हाथ में, छाता अम्ब्रेला, और कुछ दूर जाने पर जहां से आवाज कम सुनाई दे रही है या है ना, वहां खड़े हो जाओ और छाते को खोल के उल्टा ऐसे कर कंधे पर लगा लो, ऐसे खुला रहेगा छाता, ऐसे लगा लो कंधे पर रख दो ऐसे, अब देखना कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक है, या अपने हाथ को ऐसे लगा के देखना व्हाट डिफरेंस विल मेक। चलो लेट अस लर्न दिस साउंड्स। वी हियर साउंड व्हाइल टॉकिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। साइंस इज एवरीवेयर। We also hear sounds when birds chirp and when it is thundering. When an object produces sound, the sound travels in all directions through a medium such as air and then reaches our ears. But do you know how sound is produced? Sound is produced by vibration of objects. For example, the strings of a guitar produce sound when they vibrate on being strummed. Similarly, the gong produces sound when it vibrates on being hit by an object. Let us explore some properties of sound vibrations or sound waves. Aye, properties. In a science laboratory, we use a tuning fork made of steel to produce sound vibrations. The two upper ends of the tuning fork are called the prongs and the lower end is called the stem. When a tuning fork is struck with a rubber hammer, it starts vibrating to and fro and produces sound. The number of oscillations made by the vibrating object in unit time is called, ठीक है, यूनिट टाइम इज पर यूनिट टाइम, दैट इज पर सेकंड, एस आई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, है ना बेटा, सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल लेटर एन एंड इट्स यूनिट एस आई, है ना, स्मॉल लेटर एन, इससे हम डिनोट करते हैं, और इट्स एस आई यूनिट इज हर्ट्ज, सर हेनरिक हर्ट्ज के ऑनर में रखा हुआ है। साइंटिस्ट बनने के बाद आपका नाम अमर हो जाता है, कई बार कुछ डिस्कवरी के नाम, कुछ यूनिट के नाम आपके नाम पे हो जाते हैं, है ना, जैसे देखो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का एस आई यूनिट न्यूटन, सर आइज़ैक न्यूटन का नाम देखो, है ना, अमर हो गया कि नहीं हो गया, तो इस तरह से ये भी एक तरीका है बेटा। देखो वी ऑल आर बॉर्न एंड वन डे वी हैव टू डाई, है ना, इसलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, जब तू आया जगत में तू जग हासा तू रोय, करनी ऐसी कर चलो तू हासे जग रोय, है ना, कहा है ना, जब हम जन्म लेते हैं तो क्या होता है, हम तो रोते हैं और घर वाले खुशियां मनाते हैं, लेकिन संसार में रहकर कुछ ऐसा काम कर लो कि मरने के बाद संसार रोए और हम आनंद मनाए, हमारी आत्मा खुश हो, है ना, तो एक तरीका है अमर होने का, कुछ आप साइंटिफिक डिस्कवरी कीजिए ऐसे, है ना,
आगे तक बढ़ सकते हैं. खैर, let us go ahead. It hurts. If a tuning fork oscillates or vibrates 450 times in 1 second, then its frequency is 450 hertz. The time taken by a vibrating object to complete one vibration or oscillation is called its time. ठीक है बेटा, time period, time taken to complete one vibration or one oscillation is called time period. जो कि बहुत मुश्किल है. एक vibration का time note करना बहुत मुश्किल है. हम क्या करते हैं? 20, 30 या 100 वाइब्रेशन का टाइम नोट कर लेते हैं और उतने नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक का टाइम आ जाता है ना. जैसे छोटे क्लास में पढ़ा होगा आपने, एक एक रुपए का कॉइन है, एक ही जैसा कॉइन सारे हैं, एक की थिकनेस पता करनी है तो एक की मेजरमेंट कर सकते हैं क्या स्केल से? नहीं कर पाते हैं ना. तो क्या करते हैं हम? यस सर, नहीं कर पाते. 10 कॉइन या 50 कॉइन का स्टेक बना देते हैं, फिर उसको मेजर कर लेते हैं और उसमें से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाती है? एक कितने निकल जाती है ना. चलिए, सॉरी, हाँ, रिप्ले कर दिया मैंने. इन अ साइंस लेबोरेटरी वी यूज अ टी. डू यू नो दैट द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर? ईच अदर. लेट अस फाइंड आउट हाउ. लेट अस अस्यूम दैट अ ट्यूनिंग फोर्क ऑसिलेट्स एन नंबर ऑफ टाइम्स इन 1 second. Its frequency in this case will be n hertz. So the time taken by the tuning fork to complete one oscillation will be 1/n seconds. This is the time period of the tuning fork. Now it's quiz time. The frequency of a tuning fork is 250 hertz. What is the time period of the tuning fork? Select the correct option and click submit. Option कहाँ आया? Option नहीं आया. चलो option तो आया नहीं. क्या होगा answer? बोलो. जल्दी बोलो बेटा. Fraction में बोल दो. हेलो साई राम. संजय सर 0.004. अच्छा, यानी 1/250. यस सर, 1/250. वन बाई टू सर 0.004. हाँ, 25 × 4 = 100. 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 1000 और ऊपर हो जाएगा 4, है ना. सो 0.00000, हाँ 004, है ना. चलिए है ही नहीं, यहाँ पर आंसर देख लेते हैं. ओ, कुछ भी नहीं है इसमें, धोखा दे दिया. चलो नेक्स्ट देखें. Let us summarize what you have learned through this animation. ओके, देखो दे रहा है ना. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, frequency number of oscillations in 1 second. okay, ye kya tha, revision ho jane se hamara pakka ho jata hai, fir bhulte hum nahi kabhi bhi, hai na. aisa kaha jata hai na, hamara jo brain hai na, agar kisi bhi cheez ko aap 7 times with interval aapne revise kar liya, that becomes permanent in our memory. budhape tak ek log isme tab khol, hai na. okay, so you have seen that also. Now let us study about pitch and amplitude of sound. ek bar pitch ke bare mein dekhte hain, hai na. pitch, high pitch sound, low pitch sound, hai na. frequency and amplitude of vibration dekh liye humne. high pitch sound, low pitch sound same to nahi dikh raha bhai, dekhte hain. same rahe batana beta, hai na, चेंज कर देंगे. नहीं अलग है. वी
hear so many sounds around us. Some of them are louder than the others, and some of them are shriller. Have you ever wondered why? Let's find out with an experiment. Take a rubber band and, keeping one of its ends fixed, stretch it a little. Now, pluck it and listen to the sound carefully. प्लग करते हैं, है ना? हाँ, भी कर सकते हो. Next, stretch it further and pluck it again. और स्ट्रेच करके करो प्लग, चेंज आएगा. Doesn't it sound different this time? Yes. When the rubber band is stretched lightly and plucked, it vibrates less often or less frequently. Frequency less. That is, the sound produced has a low frequency and it is sensed as a low pitched sound. But when the rubber band is stretched harder and plucked, it vibrates more often or more frequently. That is, the sound produced has a higher frequency and it is sensed as a high-pitched sound. Okay, any question? Anybody want to ask any question, Mita? Radhika? No, I think. Now, let's do this experiment a bit differently. Stretch the rubber band, pluck it gently, and listen to the sound. Pluck it gently. Jara sa pluck karna hai. Bas, itna hai. Now sound. Next, pluck the stretched rubber band strongly. Stretching utna hi rahegi, hai na beta? Stretching same rahegi. अब लेकिन स्ट्रॉन्गली प्लग करो ज्यादा. हाँ, अब साउंड का डिफरेंस आया. देखिए, Isn't the sound louder this time? When you pluck the rubber band gently, the force applied is small and this produces vibrations with small amplitude. That is, the rubber band is displaced only a short distance from its original position. Small amplitude results in a sound with low volume. Low volume. Feeble when you sound. Pluck the rubber band strongly, the force applied is greater and this produces vibrations with large amplitude. That is, the rubber band is displaced a greater distance from its original position. Large amplitude results in a sound with high volume. ठीक है जी. एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द सॉफ्टनेस और लाउडनेस ऑफ साउंड एंड फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच ऑफ साउंड. पिच इज आल्सो कॉल्ड श्रिलनेस ऑफ साउंड, है ना? श्रिलनेस ऑफ साउंड भी कहते हैं इसको. ओके, सो अंडरस्टूड बेटा? एनीथिंग एल्स शुड बी एक्सप्लेन्ड? लाउडनेस, ऑडिबल एंड इनऑडिबल, यू ऑल नो दैट बेटा. Audible and inaudible sound, है ना? Audible and inaudible sound, noise and music. चलो दोनों में से क्या बताऊं आप? Tell me. So noise and music. Noise and music. Okay. Noise and music. Noise and music.
We hear so many sounds around us. Honking cars, barking dogs, different types of music, mobile ringtones. The list just goes on. Some of these sounds are pleasant to hear, while some can be quite jarring. Music, for instance, is something we all enjoy listening to. On the other hand, the hammering or clattering of machines is very unpleasant to hear. However, both pleasant and unpleasant sounds played loudly and for a long duration become undesirable for our ears. Such undesirable sounds are termed as noise. The loudness or intensity of sound is expressed in a unit called decibel. Any sound higher than 85 decibels is considered as noise. Such high intensity sounds have an alarming effect on human hearing. Let's listen to the sounds of different intensities. Drag the slider to explore sounds of different intensities. decibel, 20 decibel, 80 decibel, 100 decibel, 130 decibel. You have seen, you know, loudness of sound is expressed in decibel. Human ears are capable of detecting sounds of very low intensity. This faintest sound that a human ear can detect is known as the threshold of hearing. 0 decibel corresponds to a normal, healthy human being's threshold or minimum level of hearing. On the other hand, 130 decibels generally correspond to our threshold of pain. This figure of threshold of pain is quite subjective, as sound's intensities, which may be considered painful for one, may be enjoyable for others. However, this tolerance for louder sounds does not make people immune to the damage that such sounds can produce. Any noise above the threshold of pain can damage the eardrum completely. Loud and harsh sounds are disturbing and unpleasant to hear. Such disturbances, collectively called noise pollution, can be harmful to not only humans but also animals and other living organisms. Major sources of noise pollution include sounds of road traffic, rail traffic, air traffic, explosions including bursting of crackers, machines, and loudspeakers. Indoor sources of noise pollution include television and radio at high volumes, and some household appliances such as air conditioners, air coolers, mixer grinders, etc. Excessive noise pollution in the surroundings may cause serious health problems such as lack of sleep, hypertension or high blood pressure, and anxiety.
Continuous exposure to loud sounds may lead to temporary or permanent impairment of hearing. Therefore, we must find some ways to prevent and control noise pollution. To prevent and control noise pollution, we must keep check on the sources of noise. It should be mandatory to install silencing devices in the automobiles, electric generators, aircraft engines, industrial machines, and household appliances. People should consciously try to minimize the use of automobile horns. The use of loudspeakers should be restricted, and there should be a limit on the maximum volume produced by the loudspeakers. Heavy vehicles such as lorries, trailers, and tankers produce a lot of noise. Such vehicles should be restricted from plying near residential areas, hospitals, and schools. Industries and factories are the main source for noise pollution in most cities. Ideally, such industries should be set up away from residential areas, hospitals, and schools. Television, radio, and music systems should be played at low volume. The best way to reduce the harmful effects of noise pollution is to plant trees along the roads and around the buildings to cut down the sounds reaching the occupants. This way, we can also help improve the quality of environment around us. देखा होगा इसलिए रोड किनारे प्लांट लगाते हैं. Let's summarize what we have learned so far. Okay, my dear, let me stop presenting. Any question, beta? Yes. अरे ज्यादा साउंड से ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है, उसने बोला अभी. हाँ बेटा, ज्यादा साउंड सुनने से, देखो जो सुनते हैं हियरिंग, वो एक्चुअली सुनने का काम कान सिर्फ नहीं करते हैं, कौन करता है? दिमाग करता है. बताया था ना मैंने, याद आ रहा है? जब हम कोई साउंड एंटर करती है तो पहले हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है विद द सेम फ्रीक्वेंसी, फिर उसके क्लोज में थ्री सॉफ्ट बोन्स हैं, दे वाइब्रेट, है ना, एंड द वाइब्रेशन गोज टू कॉक्लिया. कॉक्लिया में क्या होता है, ये साउंड वेव है दैट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, है ना, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू वो जाती है ब्रेन तक, और द ब्रेन एक्सप्लेन्स साउंड. तो ब्रेन में बार बार वाइब्रेशंस ऐसे पहुंचेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा बेटा, है ना, डिस्टर्ब होगा हमारा. ठीक है, तो हाइपरटेंशन इट कॉज हाइपरटेंशन. ठीक है दिवान? Yes, sir. Good. Okay. So, shall we conclude? है ना? Okay. So, shall we let us end Shanti Path? Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. है ना? Those who want to ask questions, stay here, beta. You can ask me. Thank you. Okay, beta. Sai Ram, Sai Ram. Let me stop.